Redmi के Note 10 Pro Pro Max डिवाइस के लिए यहाँ पे आ चुका है एक HyperOS 2.2 का एक लेटेस्ट अपडेट, जिसमें आपको काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है और ये रोम आपको पसंद भी आने वाला है, क्योंकि आजकल जितने भी अपडेट आ रहे हैं इस डिवाइस से रिलेटेड ना, सारे मर मर के रिस्पॉन्स देते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्लो वाली फीलिंग देती है। वहीं पर ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हुए मुझे नज़र आया है, लेकिन हाँ कुछ कुछ इसके भी डाउन साइड हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो यहाँ पर आपको वो भी पता करना है कि क्या डाउन साइड है क्या प्लस पॉइंट है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि इसके साथ आपको जाना है या दूर से हेलो हाय टाटा बाय बाय कहकर निकल लेना है। वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलते रहे। इसके OS वर्जन की तो ये HyperOS 2.0.203 है, जिसे आप मोटा मोटी 2.2 कह सकते हो, जो कि 2.2 में मैंने आपको फीचर दिखाया था ना, वही और ये 2.2 का ही अगला अपडेट है, जो कि हमारे Redmi के Note 10 Pro Pro Max के लिए अवेलेबल हुआ है। CN बेस्ड है, जो कि हमारा चाइना वर्जन है। Android 15 5 मंथ का सिक्योरिटी पैच, और यहाँ पे डिफरेंट आप देख सकते हो कर्नल वगैरह यूज करा गया है। बाकी सेटिंग अंदर जो स्मूथनेस है ना, वो रियलमी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील देता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ साथ पे स्लाइडिंग वगैरह है, कंट्रोल सेंटर को हम ड्रॉप करते हैं, इधर उधर लेफ्ट राइट करते हैं, ये भी सही रहता है, लेकिन हाँ जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो लैग स्टेटर फील होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप देखो कितने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा मोटिवेशन दिया गया है, जो कि आप कंट्रोल सेंटर पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो एक साथ सेटिंग आ जाएगा, जैसे कि मोनेट इफेक्ट, लेकिन वो मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि बिल्कुल ही अजीब सा लगने लग जाता है। बाकी आप स्क्वायर यूज कर सकते हो, यहाँ पे टाइल्स में जितना चाहो उतना बदल सकते हो, मैंने 4 वाला यूज कर रखा है, आप चाहो तो 6 तक अप्लाई कर सकते हो, बाकी उनके शॉर्टकट्स वगैरह भी बदल सकते हो, और ये प्रॉपर काम भी करता है। बाकी यहाँ पे एडिट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मली वर्किंग है, और सेटिंग भी यहाँ पे आपका अनलॉक हो जाता है, जो कि अच्छा लगा मुझे। वहीं पे पावर मेनू की हम बात करें तो हमारा जो पावर मेनू है वो आपको एडवांस वाला देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे जो कैमरा दिया गया है वो है आपको लेटेस्ट लाइका 6.1 या HyperOS 2.2 कैमरा कह लो, या फिर जो भी कहना है कह लो यार, काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिक्कत नहीं आई कैमरे से रिलेटेड। वहीं पे हम विजेट्स वगैरह की बात करें तो हाँ वर्किंग है, आपके चाइना वाले सारे विजेट्स अनलॉक किए गए हैं, जो कि अच्छी बात है, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है, तो विजेट्स रिलेटेड आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आते हैं सेटिंग के अंदर, जहाँ पे एडिशनल सेटिंग आपको मिलता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो मल्टी लैंग्वेज अवेलेबल है, तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर पाओगे, जो कि अच्छी बात है। कि फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह आपको बेसिक से सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह भी ऐड करा गया है, जो कि अच्छा है और बिल्कुल ही एक्यूरेट काम करते हुए मुझे नजर आया है। यहाँ पे हम आते हैं डिस्प्ले के अंदर, डार्क मोड के अंदर स्विच करते हैं तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल ऐप है ना वो वर्किंग नहीं है। मे बी हमारे मेंटेनर भूल गए इसे फिक्स करना, क्योंकि भाई Xiaomi तो कब का भूल चुका है कि डार्क मोड के अंदर इंडिविजुअल ऐप का एक लिस्ट भी ये लोग दे रखे हैं, जो कि आज तक इन्होंने MIUI 14 से आज तक फिक्स ही नहीं किया चाइना में, जबकि ग्लोबल के रोम में फिक्स रहता है। बाकी एडवांस टेक्सचर्स वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 160, 90, 120 के ऑप्शन आपको यहाँ पे अनलॉक मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो होम स्क्रीन मिलता है ये भी एक्स्ट्रा मोटिफिकेशन वाला है, जहाँ पे एडवांस सेटिंग्स दिए गए हैं, जैसे कि ब्लर के कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, सर्च बार चेंज करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, डबल टैप लॉक का ऑप्शन है, यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, रो एंड कॉलम दिया गया है, अनलॉकिंग एनिमेशन चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो डॉक के कस्टमाइजेशन भी ऐड कर सकते हो, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई आईफोन के अंदर दिया हुआ है और हर एक चीज़ आईफोन का पसंद आ जाए ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए भाई होता है, तो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, बट मुझे नहीं पसंद है, अपनी अपनी पसंद होती है, क्या कर सकते हैं, है ना, नो कमेंट। उसके बाद यहाँ पे जेस्चर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है सर्कल टू सर्च का ऑप्शन, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आईफोन वाला स्टाइल ऑन कर सकते हो, टाइप को छोटा बड़ा, रिसेंट ब्लर कैसा करना है, और फाइनली एक रीस्टार्ट का बटन, ताकि आपके सारे सेटिंग अप्लाई हो सके और सब कुछ आपको नजर आए चेंज होने के बाद। बाकी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार वही सिंपल सा रहने वाला है, लेकिन हाँ यहाँ पे कस्टमाइज टॉगल, जो कि 2.2 का फीचर्स है, जो कि मैंने आपको बताया था, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे करना है। बाकी हम आते हैं अपने लॉक स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको जो कस्टमाइज शॉर्टकट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अपने लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट को मॉडिफाइड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे है और यहाँ पे है, और देखो डायनेमिक वॉलपेपर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो ये भी बेनिफिट आपको मिलता है, तो आप अपने हिसाब से लेफ्ट एंड राइट वाले चीज़ों को बदल सकते हो, जो भी आपको शॉर्टकट रखना है, तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि 2.2 के साथ दिया गया है। वॉलपेपर पर्सनलाइज की बात करें तो ये हमारा वर्किंग है, बस आपको एक इंटरनेट अच्छा कनेक्शन वाला रखना है, उसके बाद यूज करना है तो काम करेगा, अदरवाइज स्लो रहेगा तो हाई वर्क नहीं करेगा ढंग से, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, और ये चीज़ अच्छी लगी। साथ साथ यहाँ पे लेटेस्ट आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो,
यहाँ पे आपको लेंस का फीचर्स मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसे अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो लेंस वाला जो फीचर्स आ जाता है और वॉलपेपर ब्लर जो होम स्क्रीन का फीचर्स है ना वो भी आपको यहाँ पे मिलता है, यानी पूरा का पूरा अप टू डेटेड वर्जन है जो कि पसंद आया मुझे। और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है जैसे कि एक्सटेंडेड पावर मेनू ऑन करना, फोर्सफुली FPS को इनेबल करना सभी एप्लीकेशन के लिए, स्क्रीन शॉट कहीं पर भी क्लिक कर पाना, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है, बैकग्राउंड डेटा वगैरह और बाकी वही बेसिक सेटिंग आपको मिल जाती है। तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन हाँ काम की चीज़ यहाँ पर दी गई है। वाइपर फॉर एंड्रॉइड आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है जिसे बस ऑन करना है और आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छा लगा कि दिया गया साउंड मोड के रूप में, अगर आपको पसंद है तो आप यूज कर सकते हो। और हाँ, प्ले स्टोर आपको यहाँ पे नहीं मिलता, बाय डिफॉल्ट आपको इनेबल करना पड़ेगा, जो कि आप इसके गेट ऐप जो दिया गया ना इससे डाउनलोड कर सकते हो या गूगल से APK डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे भी करना है कर सकते हो। आई होप कि आप इतने समझदार तो हो ही चुके हो कि ये चीज़ कर पाओ। रही बात यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट क्या निकल के आता है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस रोम का। टाइम कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल के टाइम लिखा हुआ जाता है ICP रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह, जो कि ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड 16 के HyperOS में देखा था, जिसका वीडियो मैंने दे दिया है। फर्स्ट HyperOS विद एंड्रॉयड 16 आपने नहीं देखा तो देख लेना, लेकिन हाँ ऐप इंस्टॉल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बैटरी ड्रॉप देखिए यहाँ पे 38 के बाद मॉर्निंग में आता है 37, जहाँ पे 1% का बैटरी ड्रॉप है 9:21 में, जो कि काफ़ी अच्छा है। चार्जिंग स्पीड यहाँ पे भूल जाओ, क्योंकि मैं चार्जिंग पे लगा के भूल गया था, तो आप भी भूल जाओ क्योंकि स्पीड आपको सही से पता नहीं चलने वाला। ये है नॉर्मल अनड्यूटर स्कोर, जो कि मैं कहूँ ठीक है। वन डे के बाद जब मैं दोबारा चेक करता हूँ तो भी कुछ खास मुझे अच्छा देखने को नहीं मिला, लेकिन मैंने अनड्यूटर स्कोर को ऐड कर दिया गेम टर्बो के अंदर और परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर दिया, तब देखो कि क्या स्कोर आया है, मजाक है ना। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आया और ये चीज़ ठीक है, लेकिन और बेटर हो सकता था, जो कि नॉर्मल टेस्टिंग है। वहीं पे CPU टोटल की बात करें तो नॉर्मल टेस्टिंग पे मैं कहूँ ओवरऑल अच्छा है, थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, बट ठीक है, जो कि 1,99,000 मैक्स और मिनिमम 1,57,082 का परसेंटेज निकल के आता है। वहीं पे Geekbench की बात करें तो यह नॉर्मल टेस्टिंग जो कि काफ़ी डाउन साइड है, अनदर हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ लेकिन कुछ खास नहीं। और फिर से मैंने इसे गेम ट्रो में ऐड कर दिया, बूस्ट मोड ऑन किया, तब जाके यहाँ पे सिंगल टॉप नॉच पे गया है, लेकिन मल्टी वही डाउन साइड ही देखने को मिलता है, जो कि मैं कहूँगा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से रोम को यूज करने के बाद आपको फील होता है ना स्मूथनेस और बाकी चीज़ें ऑप्टिमाइज, उस तरीके से रिजल्ट यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला, और ये चीज़ मैं कहूँगा कि अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अनदर यहाँ पे आपका डिवाइस सर्टिफाइड नहीं रहता, ये अफसोस की बात है, आपको खुद से करना पड़ेगा, मैंने वीडियो दे रखा है, आप उसे अप्लाई कर लेना, इसके ऊपर आपका ये पास हो जाएगा और आप बैंकिंग ऐप वगैरह सब कुछ यूज कर पाओगे। और बूटलोडर जो लॉक का प्रूफ है ना वो भी आपका ऐड हो जाएगा, तो आप चेक जरूर कर लेना कि कैसे इसे फिक्स करना है, क्योंकि आजकल गूगल ने सभी का एल लगा रखा है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको आप खुद मैनुअल करना पड़ रहा है। तो मे भी कुछ टाइम के बाद बाय डिफॉल्ट आने लग जाएगा, बट स्टिल अभी मिसिंग है यहाँ पे। बाकी फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिल जाता है, एक्स्ट्रा सेटिंग आपको अनलॉक मिल जाता है, जो कि स्ट्रीम प्लस का है गेमिंग के लिए, जो कि अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे L1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, HDR10+ वगैरह का सपोर्ट आपको मिलेगा, और अनदर कैमरा वगैरह मैंने यूज़ किया है, काम कर रहा है, नो इश्यूज, गैलरी में जा रहा है, एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप गैलरी अपडेट करके इनेबल कर सकते हो। प्लस में यहाँ पे स्क्रीन शॉट का फ्रेम ऐड करने का फीचर्स आपको अनलॉक मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस रोम के साइड से, जो कि मुझे अच्छा लगा। और पर्सनली इसका बूट एनिमेशन तो यार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनिमेशन आ चुका है हमारे बूटिंग का, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इसे रिबूट करने की सोच रहे हो ना, तो रिबूट पे क्लिक करके एक बार जाओ, सो के आराम से आ जाओ, उसके बाद आपको फ़ोन अपना ऑन मिलेगा, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है ऑन होने में। ऐसा फील होता है कि यार कि अब तो ये ऑन ही नहीं हो गया, सो गया आराम से, चैन की नींद लेके सो गया है, क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। और एक बार नहीं, करीब 3-4 बार मैंने रिबूट किया है और एवरी टाइम मुझे यही फील हुआ है कि यार अब तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, बूट लूप में गया, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद, लंबे टाइम के बाद ऑन हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा डाउनसाइड मैं कहूँगा कि इसका है। और ये रोम दो फॉर्मेट में अवेलेबल है, एक में जो यूज़ कर रहा हूँ ये जनरल वर्जन है, और एक लाइटर वर्जन आया है जिसमें आपको थोड़ा और ज़्यादा लाइट वेट बनाया गया है OS को, जो कि थोड़ा और ज़्यादा बेटर रिजल्ट वगैरह प्रोवाइड कर सके। तो दोनों का लिंक मैं दे दूंगा, आप अपने हिसाब से किसी को डाउनलोड कर लेना, बट मैं जो रिव्यू दे रहा हूँ वो जनरल वाला है, तो आप अपना देख लेना। तो रोम तो मुझे पसंद आया, UI स्मूथनेस वगैरह सब कुछ सही है, बट जो परफॉर्मेंस रिजल्ट निकल के आता है सामने ना, वो मुझे रियली में पसंद नहीं आया। तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे डालना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो या नहीं। और एक हाइब्रिड रोम है, तो आप अपना PC से बैड फाइल रन करके भी डाल सकते हो, या फिर अपने रिकवरी से फॉर्मेट, फ्लैश, वाइप वगैरह जो आपको पता है वो कर सकते हो। मैं लास्ट में एक वीडियो एड कर दूंगा कि इसे डालना कैसे है, जिसके हेल्प से आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय। रोम फ्लैश करने के लिए पावर टर्न एंड वॉल्यूम अप को जो लॉन्ग प्रेस करेंगे फोन स्विच ऑफ करने के बाद, जिससे आपका फोन वाइब्रेट करेगा, लाइट अप होगा, तो हम पावर टर्न को लीव करेंगे, वॉल्यूम अप को होल्ड रखेंगे, आपके फोन का रिकवरी ओपन हो जाएगा। हमेशा या तो ऑरेंज फॉक्स या टी लॉक यूज करना, जो भी रिकमेंडेड किया गया है उसी का, कोई डिफरेंट रिकवरी मत यूज करना। जैसे रिकवरी ऑन होता है आप ब्राउज करना, अपने रोम को सिलेक्ट करना और स्वाइप कर देना। स्टार्टिंग में वाई फॉर्मेट वगैरह मत करना, और मे बी जब भी आप रोम फ्लैश करो तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लैशिंग के दौरान कि आपको रूट करना है या नहीं, तो वैसे मैं वॉल्यूम अप डाउन या पावर बटन का यूज करते हुए कमांड को रन करते जाना अगर आता है तो, अदरवाइज नॉर्मल फ्लैश होने देना। अगर स्टार्टिंग में फ्लैशिंग में कोई भी एरर आता है तो आप एक बार सिंपल क्या कर लेना, रिबूट टू रिकवरी कर लेना और उसके बाद रूम को दोबारा रीफ्लैश कर देना। सम टाइम रिबूट टू रिकवरी करते समय आपके फोन का रिकवरी है जो वो चेंज हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, तो जो भी नया रिकवरी शो होगा उसी की हेल्प से आप रोम को दोबारा रिफ्लैश करना, और रिफ्लैश जैसे ही कंप्लीट होता है आप रिबूट टू रिकवरी कर लेना अगेन, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद सिंपल फॉर्मेट कर देना, यस टाइप करके और रिबूट कर देना। कुछ ही मिनट में आपका फोन है जो ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। बिल्कुल ही सिंपल और ईजी तरीका है और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है।